मैं अविनाश इस वक्त खड़े हैं हम रोहिणी के सेक्टर 6 में, जहाँ पे एक सड़क का नामकरण होने वाला है। यहाँ की निगम पार्षद कनिका जैन जी पधार चुकी हैं, हमारे साथ मेयर साहब जुड़ चुके हैं यहाँ के। अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ के सांसद उदित राज जी का, जो इस समय किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं। सड़क का जो नामकरण हुआ है उसके बारे में यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे बात करेंगे। सर, आप इस उपलब्धि का कहना चाहिए। 2 अक्टूबर 2014 उसमें उसने कहा है भारत सरकार द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इसके कारण से जो भारत के अंदर 3 लाख बच्चे चले जाते थे उनकी रक्षा हुई है, 3 लाख बच्चों का जीवन बचा है। क्योंकि स्वच्छता से स्वास्थ्य का संबंध है, जो हमारे महापौर स्वच्छता में रहना सबको पसंद है और सबको अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य के भी होता है। बच्चों के अंदर आज हम लोग डिमांड थी पब्लिक में वो आज पूरी हो गई है, और इस सड़क को भी एक नाम दिया गया है। आज इस सड़क का जन्मदिन मनाया गया 23 फरवरी 2019 को। मैं प्रदीप हजवा आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे एक तरफ इसका कम्युनिटी हॉल का निर्माण किया जाता है, कहीं सड़कों का नामकरण किया जाता है, कहीं सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि कई एमसीडी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सैलरी तक टाइम पे नहीं मिलती। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से कुछ कर्मचारियों से। भाई आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है सर। और सर हमारी है ना, सर बोल रहे थे अभी कि सैलरी के लिए हमने मुद्दा किया, और सर अभी आज 3rd महीना लग चुका है अभी तक सैलरी नहीं मिली। हम सब कर्मचारी लोग हैं, सिर्फ हमें एस्टिमेटेड दे के दे दिया जाता है कि आज होगी कल होगी। हम ऊपर जाके बात करो, हमें मिलती नहीं है सैलरी, हमें पता ही नहीं हमें सैलरी कब मिली। और ये लोग भाषण में बाजी करते हैं कि हमने सैलरी दे दी है। सर तो आप बताइए हम कहाँ जाइए, हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहन है जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली, घर तक का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा, यहाँ तक कि हम मांग मांग के काम चला रहे हैं तो सैलरी का बिल बच्चों की फीस तक हम दे नहीं पा रहे। सर हमारी हालत इतनी बुरी है कि हम भीख मांगने पे मजबूर हैं। जैसे कि आपने देखा हमारा भारत एक पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे महिलाएं बहुत ही मजबूरी के अंदर काम करने को निकलती है, लेकिन उसमें भी अगर सैलरी ना मिल पाए तो क्या हो सकता है उनसे। एक बार बात करते हैं यहाँ की महिला से। हाँ जी नमस्ते मैडम। मैम अपना नाम बताएंगी? मीना जी, आपको ये सैलरी कब से नहीं आ रही है? 3 महीने से नहीं आ रही। 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही, नहीं आ रही। और इसको लेके क्या कठिनाई उठाते हो आप? बहुत ज्यादा परेशानी है, कहाँ से बच्चे की फीस कहाँ से दें, बिजली का बिल पानी का बिल कहाँ से देंगे वो। एक बार मैडम से बात करते हैं। यहाँ पर मैं 2 महीने हो गए तो सैलरी नहीं आई, मैं कितने महीने से आपकी 3 महीने तनख्वाह न हो गया, हम कहाँ से क्या करें। मैं हरियाणा जाता हूँ करने के लिए, 100 रुपए का रोज का किराया लग जाता है। 100 नहीं 150 रुपए लग जाते हैं, क्या कहाँ से ले आऊँ। बच्चे हैं मेरे पास, स्कूल फीस जो भी की मैं अभी काम के लड़ाई करते हैं, जैसे तनख्वाह। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सफाई चाहिए लेकिन कर्मचारियों की तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। कहीं पे आप देख रहे हैं दूर दूर से आते हैं कर्मचारी यहाँ पे काम करने के लिए, बता रहे हैं कि 150 रुपए इनका किराया एक्सपेंस लग जाता है, और इतना एक्सपेंस लगाने के बाद भी अगर इनको टाइम पे सैलरी ना मिले तो कहाँ से काम चलेगा। न घर में फिर राशन हो पाता है, न बच्चों की पढ़ाई, कहाँ से बनेगा हमारा इंडिया ग्रेजुएट।